हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी पोजीशन पिक है एक फार्मा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है लॉरस लैब्स, और मुझे याद आता है ये आशु मदान जी को भी आजकल पसंद है ये स्टॉक। स्टॉक आज कुछ 540 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक भी इसी सीरीज से, मतलब जो आने वाली सीरीज से एफएनओ सेगमेंट में आएगा, तो 3-4 दिन ही कैश मार्केट में, और ये चूंकि अभी एफएनओ में नहीं है तभी हम इस सेगमेंट में इसको कवर भी कर सकते हैं। फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, और मुझे लगता है ये स्टॉक भी अभी तो क्योंकि बाजार में काफी बड़ी वीकनेस आई है, तो मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट के बाद एक बहुत अच्छे लेवल्स पे ये स्टॉक आ गया है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। वैसे ये कंपनी एपीआई और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेज में है, जो ग्लोबल एमएनसीज, कई नामी गिरामी एमएनसीज को कैटर करती है, जैसे माइलन भी है, फिर आपके भारतीय कंपनियां जैसे निटको है, नेटको लैब, फिर औरोबिंदो है। फिर कंपनी के पास 116 पेटेंट्स है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 28%, रिटर्न ऑन इक्विटी 37%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 41%, और 3 साल की ग्रोथ भी जबरदस्त रही है। और बाकी FISDIs भी बुलिश है, अराउंड 25.7% इसमें ओन करते हैं, जिनमें अमानसा होल्डिंग्स 4.8% है, और बाकी BNP पारिबा है, सोसाइटी जनरल है। तो इन सब जो दिग्गज FIs है वो भी इसमें भरोसा रखते हैं, तो मुझे लगता है ये स्टॉक को अभी इस गिरावट में खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 580 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 525 रुपए।